हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर अनीस। आज आप लोगों को दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताएंगे। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आप कैसे जानें कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है? तो अगर गर्दन में दर्द हो, गर्दन में अकड़न हो, चक्कर की समस्या हो, हाथों में झंझनाहट या सुनपन की समस्या है, तो समझे कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है। ये उम्र के साथ भी होता है, या गर्दन में चोट लग जाने के बाद, या ठीक से बैठ करके काम नहीं कर रहे हैं, उसके वजह से भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम दिखता है। और कैसे समझेंगे अभी आप लोगों को बता दीजिए। जैसे गर्दन में दर्द है, अकड़न है, चक्कर की समस्या है, झंझनाहट है, हाथ में सुनपन की समस्या है, अगर गर्दन को आप मूव करते हैं तो वहाँ भी दर्द है, तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का आपको प्रॉब्लम है। तो दोस्तों सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का होम्योपैथिक में बहुत ही बेटर से बेटर ट्रीटमेंट है। जैसे इसका फर्स्ट मेडिसिन, सबसे पहले आप रस्टक्स मेडिसिन को जान जाए। तो रस्टक्स मेडिसिन टॉप पेन किलर मेडिसिन है दोस्तों, जॉइंट पेन के लिए। अब गर्दन में ज़्यादा अकड़न हो तो आप रस्टक्स मेडिसिन लें, 200 पावर में सुबह शाम चार बूंद खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है। दूसरी मेडिसिन है ब्रानिया अलवा, पूरी नाम हुआ ऐसे ब्रानिया हम लोग कहते हैं। ब्रानिया अलवा आप उस वक्त लें जब गर्दन को मूव करने में भी दिक्कत हो और बहुत ज़्यादा अकड़न हो, प्यास थोड़ा ज़्यादा लगती हो, तो ब्रानिया अलवा आप 200 पावर में लें, चार बूंद सुबह और चार बूंद शाम खाएं। तीसरी मेडिसिन है सेमीसिफ्यूगा रेसिमोसा। तो सेमीसिफ्यूगा रेसिमोसा ये भी जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही बेटर मेडिसिन है। अब इसमें गर्दन में अकड़न तो होगी, दर्द भी होगा, लेकिन इसमें एक और सिम्टम है, अगर आप गर्दन को टच करके उसमें कुछ मालिश करते हैं तेल वगैरह तो भी दर्द होती है। तो उसकी जगह पर आप सेमीसिफ्यूगा रेसिमोसा मेडिसिन अगर आप लेते हैं 200 पावर में, तो चार बूंद सुबह चार बूंद शाम खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है। आपको गर्दन के इस टाइप का सिम्टम अगर गर्दन में है तो बहुत ही बेटर काम करती है। उसके बाद एक और मेडिसिन है दोस्तों जलसेमियम। अब जलसेमियम के पेशेंट को भी गर्दन में दर्द होगा, आंखों के सामने हल्की धुंधलापन की समस्या होगा, ये सब सिम्टम है, और चक्कर भी उसे आएगा। तो आप जलसेमियम मेडिसिन 30 नंबर में दो दो बूंद तीन बार दें, बहुत ही बेटर काम करती है। उसके बाद एक और मेडिसिन है दोस्तों कालमिया लेटिफोलिया। तो कालमिया लेटिफोलिया जो मेडिसिन है वो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का बहुत ही बेटर मेडिसिन है दोस्तों। अब इसमें क्या होता है, तो गर्दन में तो दर्द हो गई है, हल्का अकड़न होगा, लेकिन इसके साथ होगा कि हाथों में झंझनाहट की समस्या भी होगी। तो कालमिया लेटिफोलिया मेडिसिन आप 30 नंबर में लें, सुबह दोपहर शाम दो दो बूंद खाएं, बहुत ही बेटर काम करती है दोस्तों। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का होम्योपैथिक में और ही मेडिसिन है दोस्तों। अब सिम्टम, ये जो कॉमन सिम्टम है उसका होम्योपैथिक मेडिसिन बताएं, ऐसा अगर सिम्टम है तो आप मेडिसिन को लेकर के खा सकते हैं, लेकिन कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन खाएं तो कोई अंग्रेजी दवाई और कोई दूसरी पैथी की दवाई ना खाएं, एक पैथी पर विश्वास कर कुछ दवा को खाएं। अगर कुछ उसमें त्रुटि भी हो तो आप नज़दीक के अपने फिजिशियन से जा कर के संपर्क कर लें कि दवा हम ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, कुछ अगर और प्रॉब्लम हो। दोस्तों आज हम आप लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बताएं। तो मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा।